लेट अस डू एग्जांपल नंबर 28, ठीक है? क्वेश्चन इज फेयरली सिंपल बट थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है. लेट अस सी कि क्या क्वेश्चन है. द क्वेश्चन सेज कि अ कॉलम ऑफ एयर एंड अ ट्यूनिंग फॉर्क प्रोड्यूसेस 4 बीट्स पर सेकंड, ठीक है? मतलब एक ट्यूनिंग फॉर्क है, ट्यूनिंग फॉर्क अपनी फ्रीक्वेंसी करेगा. कॉलम ऑफ एयर जो होता है उसके अंदर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एफ इज गिवन एज व्हाट, वी बाय एल, ठीक है? V by, या V by L की जगह सीधा क्या करो, V by lambda कर दो. ये फ्रीक्वेंसी होगी किसकी, एयर कॉलम की. और ट्यूनिंग फॉक की लेट अस सपोज अपनी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है? अ कॉलम ऑफ एयर एंड अ ट्यूनिंग फॉक प्रोड्यूसेस 4 बीट्स पर सेकंड. इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये F1 है ये F2 है, इसका मतलब F1 माइनस F2 इक्वल टू व्हाट, 4 बीट्स पर सेकंड, यानी 4, राइट? When sounded together, the tuning fork gives the lower note. ये दे रखा है कि ट्यूनिंग फॉक जो है इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, ये दे रखा है, ठीक है? द टेम्परेचर ऑफ एयर इज 15 डिग्री सेल्सियस. अगर 15 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर विल बी अकॉर्डिंग टू 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? हर क्वेश्चन का एक, हर लाइन का एक मतलब होता है, ठीक है? नाउ टेम्परेचर ऑफ एयर इज 15 डिग्री सेल्सियस, व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स टू 10 डिग्री सेल्सियस द टू प्रोड्यूसेस 3 बीट्स पर सेकेंड. यानी अब क्या हो गया, लेट अस सपोज इसको लिख लेते हैं F15, तो अब क्या हो गया, F10 माइनस F2 इक्वल टू 3, ये दे रखा है. ऑब्वियस सी बात है, अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं तो मैंने क्या बताया था, वेलोसिटी की वैल्यू कम हो जाती है. तो वेलोसिटी की वैल्यू कम हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी नेट वैल्यू कम हो जाएगी, यानी 3 हो गया. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द फॉक फ्रीक्वेंसी. द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉक इज गिवन एज F, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5F. यानी इस F2 की वैल्यू मेरे को निकालनी है, यानी 5F2 की वैल्यू मेरे को कैलकुलेट करनी है, ठीक है? तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो अगर मैं यहां पर देखूं इसको, अब प्रॉब्लम क्या है, यहां पर एक लैम्डा भी गिवन नहीं है, ठीक है? तो और मेरे को V15 है, V का फॉर्मूला क्या होता है, एट 15 डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाय एम. ना मेरे को गामा की वैल्यू गिवन, ना आर की वैल्यू, ना एम की वैल्यू. इट इज गिवन एज टेम्परेचर. टेम्परेचर कितना हो गया, 273 प्लस 15, और V10 कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ गामा आर बाय एम इन टू 273 प्लस 10. अब क्वेश्चन देखकर मेरे को ये तो समझ में आ गया कि ऑब्वियसली बात है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं, मतलब F15 डिवाइड बाय F10 कर दूं, तो मेरा लैम्डा भी कैंसिल हो जाएगा, गामा आर बाय एम हो जाएगा. बट द प्रॉब्लम इज यहां पर F2 भी है, तो क्या करता हूं, आई ट्रांसफर दिस F2 टू दिस साइड. यानी क्या हो गया, F15 डिग्री विल बी इक्वल टू 4 प्लस F2, और F10 डिग्री विल बी इक्वल टू 3 प्लस F2. अब अगर मैं दोनों डिवाइड कर देता हूं तो लैम्डा भी कैंसिल हो जाएगा, गामा और बाय एम भी कैंसिल हो जाएगा. दिस इज द ट्रिक, ठीक है? अब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, तो व्हाट आई विल गेट इज अंडर रूट ऑफ F की वैल्यू क्या होती है, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, ठीक है? आराम से जैसे F15 की अगर मैं वैल्यू लिखूं, दैट विल बी इक्वल टू V15 बाय लैम्डा डिवाइड बाय V10 बाय लैम्डा इक्वल टू 4 प्लस F डिवाइड बाय 3 प्लस F. लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, और V15 की वैल्यू क्या होती है, गामा आर 273 प्लस 15 डिवाइड बाय एम. तो इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो बेसिकली क्या बचेगा, सो दिस विल इंप्लाई, दिस विल गिव मी अंडर रूट ऑफ 273 प्लस 15 डिवाइड बाय 273 प्लस 10 विल बी इक्वल टू 4 प्लस एफ अपॉन 3 प्लस एफ. ये बात समझ में आ गई, ठीक है? अब कैसे करते हैं इसको, मैंने आप लोगों को बताया था, जब क्या होता है, डिफरेंस इज वेरी लेस, जब डिफरेंस जो होता है वो बहुत कम होता है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन वही. तो यहाँ पर क्या आ गया, 273 प्लस 15 विल बी इक्वल टू 288, 288 डिवाइड बाय 2, हाउ मच, 283, ये आएगा 1 बाय 2, दिस विल बी इक्वल टू 4 प्लस एफ अपॉन 3 प्लस एफ. तो इसका मतलब क्या हो गया, 283 प्लस 5 अपॉन 283 रेज टू पावर ऑफ 1 बाय 2. तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 प्लस, ये बेसिकली क्या हो गया, यहां से हट गया, ये कट गया, 1 प्लस 5 अपॉन 283. नो दिस टी इज वेरी स्मॉल, तो मैं क्या कर सकता हूं, तो यहां पर हाफ से सीधा मल्टीप्लाई कर सकता हूं, 1 प्लस 5 अपॉन, इट विल कम आउट टू बी 566, ये आ गया. दिस इज इक्वल टू 4 प्लस एफ अपॉन 3 प्लस एफ. अब क्या कर सकते हैं आप, यहां से एफ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके. 5F की वैल्यू आपको निकालनी है, 5F will come out to be 551, ठीक है? तो
तो वही ये बात, फिर दोबारा वही बात है कि जनरली अगर किसी बच्चे ने ढंग से इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो वो एक क्वेश्चन देख कर ही छोड़ देगा, बट अगर आपने हल्का फुल्का पढ़ा हुआ है तो बस इतनी ही नॉलेज से, बस नॉर्मल नॉलेज से आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, लेट अस सी एग्जाम्पल नंबर 30। जो एग्जाम्पल नंबर 30 है इसमें इट इज लिटिल डिफरेंट। ठीक है, जो जनरली आपको कराई गई डेरिवेशन वगैरह, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको डिराइव खुद करना पड़ेगा। इसमें बेसिकली क्या दे रखा है, अभी तक हम देखते थे कि दो साउंड्स आ रही हैं, ठीक है, जिनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है एंड देयर मीटिंग एट द सेम पॉइंट तो दे प्रोड्यूस बीट्स। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर तीन साउंड्स आ रही हैं, ठीक है, और उनकी फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है तो व्हाट इज द बीट फ्रीक्वेंसी। अब अगर तीन है तो हम कैसे करेंगे, एक की फ्रीक्वेंसी 400 है, 400 हर्ट्ज, एक की 401, एक की 402। ठीक है, अब ये तीनों क्या हो रही हैं, दे आर मीटिंग एट वन पॉइंट एंड दे आर क्रिएटिंग बीट्स। तो अब बेसिक इक्वेशन में जाते हैं वापस। प्रॉब्लम इज कि अब ये नहीं है कि हाँ दो दो को लेकर हम करेंगे कि हाँ इन दोनों को ले लिया और इन दोनों को ले लिया, बीट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली, ऐसे नहीं निकलेगा। तो अब निकलेगा कैसे, तीन फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है, बेसिक इक्वेशन में जाते हैं। वाई जो हमारी थी दैट वॉज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू, अब क्या करो वाई थ्री और कर लो। तो बेसिकली क्या हो गया, ए साइन टू पाई एफ वन इंटू टी प्लस ए साइन टू पाई एफ टू इंटू टी प्लस ए साइन टू पाई एफ थ्री इंटू टी। नाउ द प्रॉब्लम इज कि दो थी तो मेरे को साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला पता था, लेकिन साइन सी प्लस साइन डी प्लस साइन डी का तो फॉर्मूला हमको पता ही नहीं है। लेकिन एक चीज कॉमन क्या देखूं कि इन तीनों में क्या है, गैप कितना है, सिर्फ एक हर्ट्ज का है। ठीक है, यानी अगर मैं बीच वाला यानी 401 को लिख लेता हूं एफ, तो ये क्या हो जाएगा एफ माइनस वन, दिस विल बी वॉट एफ प्लस वन। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो गया, ए कॉमन ले लेते हैं, साइन ऑफ टू पाए एफ माइनस वन इंटू टी प्लस साइन ऑफ टू पाई एफ टी प्लस साइन ऑफ टू पाई एफ प्लस वन इंटू टी, ये आ गया। नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ओपन दिस टर्म, इसको सबको ओपन कर दो। ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, ए तो कॉमन आ गया, साइन ऑफ साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यही होता है ना। तो साइन टू पाई एफ टी, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ टू पाई टी, ठीक है, माइनस साइन ऑफ टू पाई टी कॉस ऑफ टू पाई एफ टी प्लस, ये तो वैसे का वैसे रहेगा, इसको देख लेते हैं। तो जब इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, साइन ऑफ टू पाई एफ टी कॉस टू पाई टी प्लस साइन टू पाई टी टू पाई कॉस टी। तो बेसिकली क्या होगा, ये वाली जो टर्म है ये प्लस माइनस इसका और इसका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट विल बी लेफ्ट विद साइन ऑफ टू पाई एफ टी, और यहां पर क्या हो जाएगा, इसका ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मेरे को ये पता है कि जो नेट इक्वेशन आती है उसमें सिर्फ साइन की टर्म्स आती हैं, यानी कुछ ऐसा आएगा ए इंटू साइन ओमेगा टी आता है। तो बेसिकली यहां से क्या करता हूँ, साइन टू पाई एफ टी आई टेक कॉमन, तो क्या आ गया टू कॉस टू पाई टी प्लस वन। तो मेरा एम्पलीट्यूड कितना हो गया, एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू ए इंटू टू पाई कॉस टू पाई टी प्लस वन। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड कितनी वैल्यू होगी, एम्पलीट्यूड ऑफ बीट्स इज इक्वल्स टू ए इंटू टू कॉस टू पाई टी प्लस वन, इतना हो गया एम्पलीट्यूड, दैट राइट। एम्पलीट्यूड जब इतना हो गया, अब बेसिक इक्वेशन में आते हैं तो मेरा आधा काम कंप्लीट हो गया। अब बेसिक इक्वेशन में आते हैं तो उसमें क्या था, उसमें हमने देखा था बीट फ्रीक्वेंसी का बात है, जब इंटेंसिटी की जो वैल्यू होती है दिस इज मैक्सिमम। ठीक है, तो ये जब मैक्सिमम होता है तब क्या होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बी स्क्वायर, सो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर इंटू टू कॉस ऑफ टू पाई टी प्लस वन का होल स्क्वायर। तो जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी तब हमारी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, और अगर किसी भी टर्म की अगर मेरे को मैक्सिमम वैल्यू बतानी है या किस टाइम पे मैक्सिमम वैल्यू होगी तो मैं क्या कर सकता हूँ, सीधा सीधा हमको पता है कि मैक्सिमम मिनिमम से डी आई बाई डी टी को जीरो पुट कर दूंगा तो मेरी मैक्सिमम या मिनिमम की वैल्यूज आ जाएंगी कि किस किस टाइम पर ये वाली वैल्यू मेरी मैक्सिमम होगी। ठीक है,
तो फिर इसको डी आई बाई डी टी से डिफ्रेंशिएट कर देते, दिस विल बी बिकम इक्वल टू 2 इंटू 2 कॉस 2 पाई टी प्लस 1, चेन रूल लगाया मैंने डिफ्रेंशिएट करने के लिए, इतना आ गया इंटू, अब अंदर वाले की पार्ट की डिफ्रेंशिएशन इसकी क्या होगी, माइनस 4 पाई साइन 2 पाई टी, ये हो गया ठीक है। तो ये वाली जो पूरी टर्म है दिस शुड बिकम 0, तो ये 0 कब कब होता है, 0 कब कब हो सकता है, या तो ये वाली टर्म 0 या फिर ये वाली टर्म 0, जब ये वाली टर्म 0 होगी इसका मतलब क्या आएगा, साइन 2 पाई टी इक्वल टू 0 ठीक है, ये 0 कब हो सकता है, 2 पाई टी शुड बी इक्वल टू 0, या फिर दिस इज इक्वल्स टू व्हाट पाई, या फिर 2 पाई, या फिर 3 पाई, इसका मतलब टाइम क्या आएगा, 0 1 बाय 2 1 3 बाय 2 ये सेकेंड्स आएंगे ठीक है। और अगर ये वाला पार्ट 0 होता है इसका मतलब क्या हुआ, 2 cos 2 पाई टी इज इक्वल्स टू माइनस 1 ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू 0 था, इसका मतलब cos 2 पाई टी इक्वल टू माइनस 1 बाय 2, और ये माइनस 1 बाय 2 कब कब होता है, ये जो है ये माइनस 1 बाय 2 कब कब हो सकता है, जब 2 पाई टी विल बी इक्वल टू 2 पाई 2 पाई एन प्लस माइनस 2 बाय 3 2 पाई बाय 3 ठीक है, तो ये इन वैल्यूज पर क्या होता है, 0 हो जाता है, प्लस माइनस 2 पाई बाय 3, इसका मतलब टाइम इंटरवल जो आएगा, टाइम इंटरवल विल बी 1 बाय 3 कॉमा 2 बाय 3 कॉमा 1 कॉमा 4 बाय 3 कॉमा 5 बाय 3 ठीक है, इस टाइप के सारे इंटरवल्स में आएगा। अब अगर इन इंटरवल्स की वैल्यू मैं इसमें डाल के देखूंगा तो आई विल गेट की जो मिनिमम इंटेंसिटी आ रही है, मिनिमा जो आ रहा है, मिनिमा कब आ रहा है, जब टाइम इज दिस, और मैक्सिमा कब आ रहा है, व्हेन टाइम इज दिस ठीक है। तो अब जो बाकी आंसर है, जो मेन काम है वो मैंने कर दिया है, अब जो बाकी आंसर है वो आप अपनी बुकलेट से देख लेंगे कि हाँ किस टाइप से हो रहा है, कैसे हो रहा है राइट। एंड क्वेश्चन देखकर जनरली क्या होगा, ये क्वेश्चन इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन इन फैक्ट, मतलब ये आसान क्वेश्चन में काउंट नहीं होता, इस टाइप से कंसेप्ट सोचना इज नॉट सो ईजी टास्क, बट हाँ ये कंसेप्ट अगर आपको पता है, अगर दोबारा 3 फ्रीक्वेंसी वाला आता है तो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट ठीक है।